रिलीजन के ताल्लुक से, हमारे मजहब के ताल्लुक से, और हमारे मजहब की आन शान और इस जहां की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान, जो भी हम कहे उनके बारे में उसने कुछ मतलब घटिया तरीन बातें मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ जो उस नालायक नुपु शर्मा ने की थी, उसको कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट किया। इसके बारे में हम पूरी तहकीकात करेंगे, अगर इसमें कोई डिफॉल्टर मिलता है हमको तो हम इसमें एफआईआर दाखिल करेंगे। आज निजामपुरा पुलिस स्टेशन में आपने मेमोरेंडम दिया है, इनको निवेदन दिया है, क्या मामला है, कहां का मामला है और किसके बारे में, किसके खिलाफ बोला गया है? कल रात में जैसा आपको पता चला होगा, भिवंडी शहर में एक बदतमीज नहीं नीच इंसान, साद उसका नाम है और आर्किटेक्ट अशफाक का शायद वो लड़का है, उसने एक हमारे रिलीजन के ताल्लुक से, हमारे मजहब के ताल्लुक से, और हमारे मजहब की आन शान और इस जहां की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान, जो भी हम कहे उनके बारे में उसने कुछ मतलब घटिया तरीन बातें मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ जो उस नालायक नुपु शर्मा ने की थी, उसको कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट किया, उसने उसका पोस्ट किया था। पोस्ट करने के बाद भिवंडी के जो भी उस वक्त जो भी आशिक रसूल थे वो उसी वक्त उसे घर पे गए, उसको वहाँ पे उन्होंने पकड़ा, उसको कुछ वहाँ पे उन्होंने तमाशा भी मारा, लेकिन जैसी सुबह हुई और ये मैटर बढ़ गया तो निज़ामपुर के जितने जवान बच्चे हैं इनके हमको फ़ोन आना चालू हुए, रेहान भाई को आना हुए, मुझको हुए, नव भाई को आना हुए, तमाम लोगों को आना चालू हो गए कि बाबा भाई, रेहान भाई, सैफ भाई, ये गलत किया गया है, ये कहीं ना कहीं इस पर एफआईआर होना चाहिए, आई एम सॉरी बोल के नहीं चलेगा। तो उसी वक्त हमने वहाँ पे चांतला में नमाज़ पढ़ी और तमाम निज़ामपुर के जो भी बच्चे थे वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, हमने यहाँ पे जो भी जितने भी निज़ामपुर के लोग थे, जितने भी बच्चे थे, आसपास के जितने भी लोग आए, सबके साइन किया हुआ एक मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है और इनसे रिक्वेस्ट की है कि उस पर एफआईआर करें। इन्होंने हमें ये कहा है कि टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर तकरीबन तय हो चुकी है, शायद लिखी भी गई है, लेकिन हमारा यहाँ पर डिमांड है कि हाँ यहाँ पर भी एफआईआर हो और एफआईआर होगी, हमें यकीन है कि भिवंडी पुलिस एफआईआर करेगी और इंशाल्लाह एफआईआर होकर उस पर जो भी कानून कार्रवाई वो होगी। और मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अब इसके बाद में अगर किसी ने इस तरीके की बदतमीजी किया, कानून अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम आज ही करेंगे वो काम, जब मिलेगा जब करेंगे, तो मारेंगे। आके दिए हैं, इसके बारे में हम पूरी तहकीकात करेंगे, अगर इसमें कोई डिफॉल्टर मिलता है हमको तो हम इसमें एफआईआर दाखिल करेंगे। इस बारे में ऑलरेडी भिवंडी शहर जो अपना टाउन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये मैटर चल रहा है, शायद वहाँ पे कुछ एफआईआर भी दाखिल हुए हैं। अगर हमारे इधर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो अब किसी को स्पेयर करने वाले नहीं है। इस बारे में सीनियर पीआई साहब से हमारी बात हो गई है, इसमें पूरी इस अर्जी की तहकीकात होगी, क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर कैसे पोस्ट की गई, क्या इसमें लिखा हुआ है, ये सारे हम लोगों को ये जो है क्लिप्स ये सब आया है, सॉफ्ट कॉपी में भी आया है हमारे पास में। पूरी तहकीकात करने के बाद में अगर इसमें कोई डिफॉल्टर्स है तो उसके ऊपर एफआईआर 100% दर्ज होगा। ठीक है, आरोपी को आपने अभी आपके गिरफ्त में है या आपने? इट विल बी टू अर्ली टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, वी डोंट वांट टू do any comment on this and don't want to let the accused know.